हे फ्रेंड्स, वेलकम टू इफी टीवी। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो। यूरोप में रहते हुए बहुत सारी बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान की जो शिप है, जो लोग लीबिया गए थे, लीबिया से ग्रीस, और बाद में रास्ते में उनकी बोट उलट गई। पाकिस्तानी चैनल्स, इंटरनेशनल चैनल्स, इवन बहुत सारे यूरोपियन चैनल्स में ये न्यूज़ फैल रही है कि ये जो लोग डंकी वगैरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं जबकि साफ सीधा रास्ता होता है आने का। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस सुन के। ऑलमोस्ट 27 लोग हैं, जिसमें 12 तो गुजरात और दूसरे सिटीज़ के हैं और आज़ाद कश्मीर के हैं। और उसके बाद में ये सैड न्यूज़ पूरी दुनिया के लिए है। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब सीधा रास्ता है यूरोप आने का, लाइक 4 लाख या 5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो सीधा रास्ता अपना के आप आ सकते हो यहाँ पे। और आप लोगों को ज़रूरत नहीं है जो डंकी वगैरह लगा के और इतना पैसा दे के लोगों को, और उसके बाद में गलत रास्ते अपना के यूरोप आके, और वो भी इनलीगल रहना यहाँ पे। कम्प्लीटली गलत चीज़ है। आराम से सीधे तरीके से जो कंट्री आपको ईज़िली वीज़ा दे रहा है वो लो, ले के आप लोग आराम से यहाँ पे आओ, काम करो, फैमिलीज़ को सपोर्ट करो, और उसके बाद में लीगली यहाँ पे रहो। सो मैं नहायत ही अगेंस्ट हूँ लोगों के जो लोग ये ह्यूमन स्मगलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद में उन लोगों को जो लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती आते हैं। पेरेंट्स की भी मिस्टेक आती है, पेरेंट्स उनको पता भी है कि हमारा बच्चा गलत काम करने जा रहा है, और फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं, या बच्चों की ज़िद की वजह से ऐसा होता है। लेकिन मुझे बहुत बुरी चीज़ लगी है बच्चों की भी, कि उनको पता है कि रास्ता मुश्किल है, डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं यहाँ पे, बुरे बुरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा, फिर भी बच्चे गलत काम उठाते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे काम ना करो, और जो प्रॉपर वे है वो यूज़ करो। और उसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपने ये कदम उठाना है तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लो, और उसको देख लो, सोच लो, समझ लो, और उसके बाद डिसीजन लो। लेकिन ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचो। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार फिर आप लोगों को, ऐसे काम मत करो। और जिन लोगों की जाने चली गई हैं, अफसोस है, और उसके बाद में मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग ये रास्ता अपनाओ। बराए मेहरबानी प्रॉपर वीज़ा लो, प्रॉपर वीज़ा ले के आप लोग आओ, रहो, खाओ, पियो, इन्जॉय करो, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। ये देखें जी, मेरे ऊपर सामने ये यूरोपियन फ्लैग है, मैं भी यूरोप में हूँ। प्रॉपर तरीके से हम लोग आए यहाँ पे, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, रहते हैं, अच्छे से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कोई भी इसी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और उसके बाद में अपनी फैमिली को यही हम लोग यही कहेंगे, और अपने जो दोस्त नज़र आते हैं उन लोग कहेंगे कि बराए मेहरबानी सीधे तरीके से आओ। और उसके बाद में अपनी ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी अपने दोस्तों, फैमिली हजरात, और उसके बाद में जितने भी मैसेज आकर पहुँचाया जाता है उनको पहुँचाओ कि प्रॉपर तरीके से आओ, पैसे नहीं लगते इतने, आसानी से आप लोग इधर आ सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो, और उसके बाद में आप किसी भी जगह पे इजीली सेटल हो सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देखिएगा, और उसके बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखें कि हमने अच्छे काम करने हैं, और अपने कंट्री का नाम रोशन करना है, और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है। अपनी तरबियत को कभी भी मत भूलो। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़ जी।